जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से श्री भाई जी कहते हैं श्री राधा जी के स्वरूप के विषय में। कल हम सुन रहे थे कि प्राचीन काल की बात है, सुधन्वा जैसा योद्धा रणभूमि में मरने जा रहा है, पत्नी नवयुवक पति तरुण स्वामी मरने जा रहा है, पत्नी का नवयुवक पति तरुण स्वामी मरने जा रहा है। पत्नी जान गई कि ये वापस नहीं लौटेंगे। उस समय पत्नी कहती है कि आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट होगा। वहाँ उस राज्य में नियम था कि कोई भी पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने इस पर विनोद किया अर्जुन से कि भैया, हम लोग इन्हें कैसे जीतेंगे? सुधन्वा के यहाँ तो पिता पुत्र सभी एक पत्नी व्रती हैं, राज्य में सभी एक पत्नी व्रती हैं, किंतु तुमने कई विवाह कर लिए और मेरे तो सहस्त्रों स्त्रियां हैं, तो तुम हम इनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? सुधन्वा की पत्नी ने कहा कि आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट होगा। सुधन्वा ने पूछा कैसे? पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध क्षेत्र में आज आपको मुक्ति देवी वरण करेंगी, इस प्रकार आपका व्रत भंग हो जाएगा। सुधन्वा ने उत्तर दिया, आज तुम्हारा भी पातिवृत्य भंग होगा, तुम आज मेरे साथ सती होकर मोक्ष को वरण करोगी। मुक्ति स्त्रीलिंग है और मोक्ष है पुल्लिंग, यह विनोद था। मुक्ति का भी एक बंधन है, ब्रज रज मुक्ति को भी मुक्त करने वाली मानी गई है। जहाँ बंधन में मुक्ति की इच्छा नहीं, श्री कृष्ण के एक राधा है और राधा के एक श्री कृष्ण है, वहाँ पर साधना नहीं है, साध्य नहीं है, कोई साधक नहीं है, वहाँ केवल राधा है और हैं श्री कृष्ण। वे दोनों एक हैं और एक होकर ही दो बने हुए परस्पर रसास्वादन करने के लिए नित्य प्रेम लीला करते हैं, विहार करते हैं और उसी में प्रमत्त रहते हैं। यह उनका अलग साम्राज्य है। उनकी देखा देखी यदि कोई दूसरा आदमी, जिसके मन में काम और क्रोध का भी त्याग नहीं है, जिसके मन में नाना प्रकार के विकारों का दोष भरा है, वह श्री कृष्ण लीला का श्री राधा की लीला का अनुकरण करने चले तो वह तो जहर पीता है। इसलिए राधा के अलग अलग विभिन्न भाव हैं, कवियों में भी बड़ा अंतर है। सूर भी कवि हैं, नंददास जी भी कवि हैं, सूर भी कवि हैं, नंददास जी भी कवि हैं और दूसरे लोग भी कवि हैं, परंतु श्री सूरदास जी की तथा श्री नंददास जी की आँख में और दूसरे कवियों की आँख में बड़ा भारी अंतर है। श्री जयदेव के गीत पढ़िए, गीत गोविंद में खुला श्रृंगार है। जयदेव महात्मा थे, वे जिस प्रकार के अधिकारी थे उस प्रकार के अधिकारी श्रृंगारी कवि कौन है? इसलिए जयदेव को आदर्श मानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगह जगह उनका स्मरण किया है। जो चैतन्य इतने बड़े त्यागी थे कि स्त्री का नाम तक नहीं लेते थे, वे स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, वे स्त्री को प्रकृति कहते थे, उस समय श्री महाप्रभु के 3.5 भक्त माने जाते थे। उसमें आधे में एक वृद्धा माधवी देवी मानी जाती थी। इस प्रकार की परम भक्ता के पास से उनके एक भक्त छोटे हरिदास भिक्षा के लिए चावल मांग लाए। महाप्रभु ने पूछा कि ये चावल कहाँ से लाए? उत्तर मिला, माधवी मैया के यहाँ से। महाप्रभु ने हरिदास को तुरंत निर्वासित कर दिया, कह दिया तुम हमारे आश्रम में मत आना, 80 वर्ष की महाभक्ता माधवी के यहाँ के चावल ले आने के कारण महाप्रभु ने इतनी कठोर आज्ञा दे दी। अत्यंत प्रेम होने पर भी महाप्रभु ने यह आज्ञा दी। भक्त हरिदास के चले जाने पर उसके वियोग में रोए दुखी हुए। 2 वर्ष बाद हरिदास ने त्रिवेणी में जाकर अपना देह विसर्जन कर दिया, पर महाप्रभु बोले नहीं। उन्होंने कहा, यह दंड मैंने उसे नहीं स्वयं अपने को दिया है, यह दंड मेरे संन्यास और आश्रम की मर्यादा की रक्षा के लिए था। इस प्रकार के महात्यागी चैतन्य कवि जयदेव के श्रृंगार भरे पदों को सुनकर नाच उठते थे। उनकी आँखें और थीं, पर जो श्री कृष्ण को श्री राधा को काम जगत के खुले श्रृंगार में उतार कर गंदगी में उतार कर अपनी गंदी वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, उनकी आँखें दूसरी हैं। बोलचाल में लोग कहते हैं न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यह बोलचाल की राधा दूसरी है,
राधा क्या चीज है? चैतन्य चरितामृत में इसका उत्तर बड़ा सुंदर है, मनन करने योग्य है। वहां ग्रंथकार कहते हैं, राधा भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, श्री कृष्ण को आह्लादित करती हैं, इससे उनका नाम आह्लादिनी है और उसी शक्ति के द्वारा उस सुख का आस्वाद वे स्वयं करती हैं। श्री कृष्ण को आह्लादित करके स्वयं आह्लादित होती हैं। तत् सुखे सुखित्वम, यह प्रेम का स्वरूप है, बड़ी सुंदर चीज है। जहाँ पर अपने सुख की वांछा है, किसी के द्वारा, भगवान के द्वारा भी, मोक्ष की भी, वहाँ प्रेम नहीं है, काम है। कामना और प्रेम में यही अंतर है। कामना चाहती है अपना सुख, प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख, यही भेद है। इसलिए गोपियों का काम शब्द प्रेम का ही वाचक है। गोपियों का काम काम नहीं था, उसका नाम काम है, पर वहाँ काम गंध लेश भी नहीं है, वह दिव्य प्रेम है। जो आह्लादनी शक्ति है वह श्री कृष्ण को आह्लादित करती है और आह्लाद नीर सार अंश प्रेम तार नाम, जो उसका सार अंश है उसका नाम प्रेम है। वह प्रेम आनंद चिन्मय रस है और इस प्रेम का जो परम सार है वह है महाभाव। इसी महाभाव की मूर्तिमती प्रतिमा महाभाव रूपा ये राधा रानी जी हैं, एक मूर्तिमती प्रेम देवी हैं। कहते हैं कि यह प्रेम का जो सार है वही राधा बन गया है। ये श्री कृष्ण की परम उत्कृष्ट प्रेयसी हैं। श्री कृष्ण वांछा पूर्ण करना ही इनके जीवन का कार्य है। इनमें काम क्रोध बंध मोक्ष, काम क्रोध बंध मोक्ष भुक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना यही इनका स्वरूप स्वभाव है। यह बड़ी भारी अनोखी चीज है। भगवान इच्छा रहित हैं। यह प्रेम का ही जादू है, यह गोपी प्रेम का जादू है कि जो सर्वथा इच्छा रहित हैं वे इच्छा वाले बन जाते हैं। जिनको किसी वस्तु का अभाव नहीं वे अभावग्रस्त बन जाते हैं, वे इस रस के लिए मतवाले बन जाते हैं। ये महाभाव वाली गोपी श्री राधा हैं। ललिता आदि सखियाँ इनकी काय व्यूह रूपा हैं। श्री कृष्ण स्नेह की, श्री कृष्ण स्नेह ही इनका सुगंधित उपटन है। निज लज्जा ही इनका श्याम परिधान है। स्त्री को लज्जा ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, श्याम सुंदर ही इनके श्याम वस्त्र हैं। कृष्ण अनुराग रूपी वस्त्र ही इनकी कुसुम्बी लाल ओढ़नी है। ये नील पट पहने हैं और उस पर इनकी लाल ओढ़नी फहराती हैं। प्रणय मान स्नेह इत्यादि भाव ही इनके वक्षस्थल का आच्छादन करने वाली इनकी कंचुकी है। सखी प्रणय चंदन कुमकुम है। स्मित कांति रूपी कर्पूर ही अंग विलेपन है। श्री कृष्ण का मधुर रस ही मृगमद कस्तूरिका है। इसी मृगमद से इनका कलेवर चित्रित है। राग रूप तांबूल के राग से इनके अधर रंजित हैं। प्रेम कौटिल्य ही इनके नेत्र युगलों का कज्जल है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुन